यानी 14 करोड़ के आसपास एलपीजी कंज्यूमर थे, आज भारत में 310 मिलियन यानी 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। आज भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। भारत में डेवलपमेंट एक पीपल्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतीय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है। भारत जीडीपी सेंट्रिक ग्रोथ के साथ ही ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहा है। मेरा आपसे भी आग्रह है, यहां मिशन लाइफ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके भी पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया भी हो, आजकल भारत में एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ लगाना। मां जिंदा है तो साथ ले जाना, मां नहीं है तो तस्वीर ले जाना। एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान आज देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं। यह हमारी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों का यश बढ़ाएगा। पेरिस ओलंपिक खत्म हुए, अगले ओलंपिक्स का होस्ट यूएसए है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एनवायरमेंट एंटरटेनमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आज आईपीएल जैसी भारत की लीग दुनिया की टॉप लीग में से एक है। भारत की फिल्में ग्लोबली धूम मचा रही है। भारत आज ग्लोबल टूरिज्म पे भी परचम लहरा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड़ है। मैं देख रहा हूं इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्रि का गरबा सीख रहे हैं। ये भारत के प्रति उनका प्यार है। साथियों, आज हर देश भारत को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहता है, जानना चाहता है। आपको एक और बात जानकर खुशी होगी, कल ही
अमेरिका ने हमारे करीब 300 पुराने जो शिलालेख और मूर्तियां थी, जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, 300 शिलालेख और मूर्तियां भारत को लौटाई। अमेरिका ऐसी लगभग 500 धरोहरें भारत को लौटा चुका है। ये कोई छोटी सी चीज लौटाने का विषय नहीं है, ये हमारी भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है। जय हो। मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल ये घोषणा की थी कि सिएटल में भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में थिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज को अनाउंस करने की भी खुशी है। इससे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर का दर्शन दुनिया तक पहुंचाने में और मदद मिलेगी। साथियों, आपका ये आयोजन वाकई शानदार रहा। यहां जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ वो अद्भुत था। मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे, लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया। जिन साथियों से मैं यहां मिल नहीं पाया उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी। शिकागो, 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 शिकागो। उत्साह ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा जोश ऐसा ही होगा। आप ऐसे ही माता की जय, भारत माता की जय।